बॉलीवुड की फेमस हीरोइन शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद लगातार एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि राज कुंद्रा ऐसे काम नहीं कर सकते। लेकिन जांच में सामने आया कि कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 महीने तक इस केस की कड़ी पड़ताल की है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम अश्लील फिल्में बनाने वाले गिरोह का सुराग तलाश रही थी। इस दौरान राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि लोग 20 साल की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को टारगेट कर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में फंसा के अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर करते थे। इस आरोप में कुंद्रा के खिलाफ 4 फरवरी 2021 को ही केस दर्ज कर लिया गया था, लेकिन तब पुलिस के पास एक बयान के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए तब कुंद्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब 3 दिन पहले पश्चिम मलार के मदगांव में एक किराए के बंगले में छापा मारा गया तो वहां कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए, जो कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने के लिए काफी थे। जांच में सामने आया कि मद के जिस बंगले पर मुंबई पुलिस ने छापा मारा था उसे राज कुंद्रा की टीम ने 20,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लिया था। बंगले के मालिक ने पुलिस को बताया कि उनसे भोजपुरी और मराठी फिल्मों की शूटिंग करने के नाम पर बंगला किराए पर लिया गया था। शूटिंग के दौरान बंगले का मालिक और अन्य कर्मचारियों को दूर रहने के लिए कहा गया था। शूटिंग शुरू होने से पहले बंगले को चारों तरफ से नीले रंग के पर्दे से कवर कर लिया जाता था। बंगले के भीतर सेट बना हुआ था। कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित और शेयर करने का आरोप था, जिसके तहत राज कुंद्रा को IPC की धारा 292 अश्लील साहित्य के प्रसारण, धारा 293 20 साल से कम उम्र के लोगों तक अश्लील साहित्य पहुंचाने और IT एक्ट की धारा 67 आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन के साथ 67 सेक्शन A इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि राज कुंद्रा कब तक इस मामले में जेल के अंदर रहेंगे और उनकी इस करतूत के बाद शिल्पा और उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा।